हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप टॉवल हेयर ड्राइंग की वीडियो बनाएं, तो ये टॉवल हेयर ड्राइंग की फुल वीडियो है, तो आप फुल वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं किस तरीके से अपने वाल नेचुरल तरीके से ड्राई करती हूँ, टॉवल से हेयर ड्राई करती हूँ, तो आप ये फुल वीडियो ज़रूर देखना। देखिए, आप कोई भी हेयर टिप्स फॉलो करते हैं एंड जो मैं हेयर टिप्स आपको बताती हूँ, मैं उसे पहले एक से दो मंथ के लिए खुद में यूज करती हूँ उसे। अगर मुझे उससे असर दिखता है, मतलब ये मेरे लिए यूजफुल होती है, तभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। जो भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो, मेरे हेयर को ही हो, मेरे बालों को ही हो, तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसीलिए मैं जो भी हेयर टिप्स फॉलो करती हूँ उसे एक से दो मंथ पहले मैं खुद लगाती हूँ। जैसे ओनियन जूस मैंने पहले खुद ट्राई किया था, तब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। और ऐसी मेथी, दही, ऑलवेज अगर कुछ भी मतलब कि हेयर टिप्स है, तो मैं उसे पहले खुद ही फॉलो करती हूँ, बाद में आप तक लेकर आती हूँ। एंड आप बने रहिए फुल वीडियो के साथ, फुल वीडियो ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं बहुत ही कम हीटिंग टूल्स का यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कभी इमरजेंसी में अगर मुझे कहीं जाना हो, तब इमरजेंसी हो जाती है, तब मैं हीटिंग टूल्स का यूज़ करती हूँ, बाकी मैं अपने बालों पर हीटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करती। एंड अन्यथा मैं अपने बालों को नेचुरल तरीके से ही ड्राई करती हूँ, टॉवल से ही। एंड आप हेयर वॉश करते वक्त अपने बालों को ज़्यादा टाइटली नहीं खींचे, क्योंकि टाइटली खींचने से आपके दो मोए बाल ज़्यादा होते हैं। 6 मंथ में आपने अपने हेयर ट्रिमिंग ज़रूर करवानी चाहिए, यानी कटाने ज़रूर चाहिए, हेयर ट्रिमिंग ज़रूर कराए, इससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है एंड बाल लॉन्ग जल्दी होते हैं। तो आप इसलिए हेयर ट्रिमिंग 5 से 6 महीने बाद ज़रूर कराएं। तो आप बने रहिए फुल वीडियो के साथ, वॉचिंग ऑन फुल वीडियो यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है। एंड आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट वीडियो क्या होगी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा वाली आईडी मैं आपको बता दूंगी, कोमल गौतम लॉन्ग हेयर के नाम से है, कोमल गौतम लॉन्ग हेयर करके मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी, तो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपने कोई भी हेयर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आप बने रहिए फुल वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ एंड मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकती हूँ हेयर वॉश की, क्योंकि ये भी फ्रेंड रिक्वेस्ट वीडियो है, तो मैं वॉश की वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करनी है हेयर ऑयलिंग की, तो किस तरीके से मैं अपने हेयर वॉश से पहले क्या क्या मेथड यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए फुल वीडियो के साथ। जैसे मैं अपने बालों को नेचुरली ड्राई करती हूँ हेयर टॉवल से की मदद से, बालों को ड्राई करती हूँ, आप देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो में बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है, जो भी है सारी है, ना तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, ना ही कुछ करती हूँ, जैसी वीडियो होती है मैं ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ। और नहीं, मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोई भी हेयर टिप्स है अब तक 3 दिन में बाल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, नहीं, कोई भी हेयर टिप्स है अपनी सही काम करती है। आप अगर रेगुलरली किसी भी हेयर टिप्स को फॉलो करते हैं तो वो अपना असर ज़रूर दिखाती है, और होम रेमेडी से ही अपना असर लेट ही दिखाती है, 1-1.5 महीने के बाद ही। तो आप पेशेंस रखिए एंड आप कोई भी हेयर टिप्स है 1 से 2 महीने या 3 महीने तक तो यूज़ ज़रूर करिए, आपको असर ज़रूर ही लगेगा। तो आप इस फुल वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आप मुझे यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे बहुत आगे ले जाएगा, और हो सकता है मैं बहुत ही जल्द अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, असरदार होगा। मैं अपना हेयर प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू ज़रूर लॉन्च करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों की सेवा में अंकिता गौतम लॉन्ग हेयर हमेशा रहेगी। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मैं बालों को अच्छे से ड्राई करने के बाद कुछ वीडियोस वगैरह कुछ फोटोज वगैरह लेकर के हेयर ड्राई होने के बाद अच्छे तरह से उसे हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। गीले गीले बालों को मुझे स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शैम्पू की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए प्रॉपर हेयर ड्रायर हो चुका है लगभग, थोड़ा बहुत ही बस हेयर में पानी बचा है, वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए से हेयर ड्राई होने के बाद मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ और ब्रेड बन बना लेती हूँ। मैं हेयर खुले नहीं रखती क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग है, खुले रखते तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए मैं अपने हेयर को हमेशा बांध कर ही रखती हूँ। मुझे बालों से खेलना, बालों को स्मेल करना अच्छा लगता है और अपने लॉन्ग हेयर के साथ।
ये देख सकते हैं मेरा ये लगभग हेयर ड्राई हो चुके हैं बाल, तो आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं मैंने किस तरीके से अपने हेयर को टॉवल से ड्राई किया है। मैं हीटिंग टूल्स का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और दो मुखे हो जाते हैं बाल, और डैमेज हेयर बहुत ही गंदे लगते हैं।
ये मैंने सनलाइट में हेयर ड्राई किया था, टावल हेयर ड्राइंग, तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर नेचुरली है, तो मैंने नेचुरली अपने बालों को, मेरे बाल नेचुरली रेड साइन हेयर है, तो ये मेरे बालों का नेचुरली कलर है। एंड इस वीडियो में हेयर कॉम्बी मैंने किया हुआ है, ये ड्राई हेयर होने के बाद मैं हेयर कॉम्ब करती हूँ। हेयर कॉम्ब करने के बाद, कुछ वीडियोस बनाने के बाद, कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो हेयर ऑयलिंग की या हेयर वॉश की ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर।
तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, एंड आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, या तो हेयर वॉश की करूँगी या हेयर ऑयलिंग की करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। ओके बाय।